विदिशा के पठारी नगर के समीपस्थ नागटोरिया में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन मंगलवार को धूमधाम से श्री राम एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव को लेकर मंच को फूलों और गुब्बारों से सजावट की गई। इस विशेष दिन को लेकर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ भी रही। कथावाचक प्रियंका किशोरी जी ने भगवान श्री राम जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म होने वाला था तब समस्त अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल था और मंगल गान होने लगे। वहीं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनाते हुए कहा कि बाल गोपाल का जन्म देवकी और वसुदेव के 8वें संतान के रूप में होता है। देवकी और वासुदेव का अर्थ समझाते हुए कहा कि देवकी यानी जो देवताओं की होकर जीवन जीती है और वासुदेव का अर्थ है जिसमें देव तत्व का वास हो। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। बताइए क्या आप कंस के वंश के हो क्या? कृष्ण के वंश के हो या कंस के वंश के? एक बात बताइए, जो जो मेरे ठाकुर जी के वंश का है जरा हाथ उठाएंगे, जो कृष्ण के वंश के वो हाथ उठाएंगे और जो कंस के वंश के वो ना उठाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।